Hey guys, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। So, hey guys, कैसे आप सभी? मैं हूं इमरान खान, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल Unconditional Point। Guys, आपका भाई आपके लिए एक लेटेस्ट एंड न्यू कंपनी लेकर आ गया है। ऐसी कंपनी जो अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं देखी है। यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरे 1,00,000 रुपए तक का लोन। केवल आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है। लाइफ प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप 1,00,000 रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा किस तरीके से आपने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने होंगे, कितने इंटरेस्ट पर आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है, कितने दिन के लिए आपको यहाँ पर लोन मिलेगा, सब कुछ आगे बता दूंगा। पहले जल्दी से इस वीडियो को मेरे भाई लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आ पाए हैं, तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, देखते हैं कौन सी कंपनी जहां पर आप ले सकते हैं इंस्टेंटली पूरे 1,00,000 रुपए तक का लोन केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड से। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा प्ले स्टोर में आप चले जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप लोन ब्रो। बड़ी जबरदस्त वाली एप्लीकेशन है, आप यहाँ पर ले सकते हैं 1,00,000 रुपए तक का लोन। 4.6 रेटिंग है, 10K+ डाउनलोड की जा चुकी वाली एप्लीकेशन। अगर मैं बात करूँ डिटेल में इस एप्लीकेशन की, तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपए तक के लोन के लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 91 दिन से लेकर 365 दिन तक के लिए आपको यहां पर लोन मिल जाएगा। कम से कम लोन इंटरेस्ट होने वाला है आपका 36% पर एनएम के हिसाब से। और यहां पर जो है टेक्नोलॉजी फीस रेट जो है वो 5% से लेकर 16% तक लग सकती है। अगर मैं बात करूँ रिक्वायर्ड टाइम की, यानी लोन मिलने का जो टाइम होता है मिनिमम 15 मिनट, यानी 15 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड देना होगा, एड्रेस प्रूफ में आपको यहाँ पर आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड देना होगा। अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो गाइस आप जो है इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, 21 साल की उम्र कम से कम आपकी होनी चाहिए और आपके पास रेगुलर सोर्स इनकम आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन लेते हैं 30% पर एनएम के हिसाब से 91 दिन के लिए, तो आपकी यहाँ पर 3 EMI हो जाएगी, 3,510 रुपए की आपकी ईएमआई होने वाली है। यानी कि टोटल इंटरेस्ट आपका जो लगने वाला है यहां पर टोटल 504 रुपए लगेगा 90 दिन के लिए अगर आप यहां पर लोन लेते हैं। केवल आपको यहां पर आधार कार्ड पैन कार्ड देना होगा लोन लेने के लिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है लोन लेने के लिए, और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, एग्री एंड कंटिन्यू करना है, अलाउ कर देना है 6 टाइम। अलाउ करने के बाद गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर आपको मिलने वाला है 1,00,000 रुपए तक का लोन, तो ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं गेट इंस्टेंट लोन अप टू 1,00,000, यानी 1,00,000 रुपए तक के लोन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आपके पास फेसबुक या फिर गूगल अकाउंट होना चाहिए। सबसे पहले आपने यहाँ पर साइन अप करना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगी, OTP आपको यहाँ पर डाल देनी है। OTP डालने के बाद आपको फेसबुक या फिर गूगल से इसके अंदर साइन अप करना होगा। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर साइन अप कर लेता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ गूगल से साइन अप। आप चाहे तो यहाँ पर फेसबुक से भी कर सकते हैं या फिर गूगल से आप कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर साइन अप कंप्लीट करते हैं, साइन अप करने के बाद यहाँ पर इन्होंने स्टेट दिखा रखी है कौन कौन सी स्टेट के अंदर यहाँ पर ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये 13 स्टेट के अंदर अभी लोन दे रही हैं। अगर आपकी स्टेट इसके अंदर है तो यहाँ पर आप लोन अप्लाई कर लीजिए, अगर आपकी स्टेट यहाँ पर नहीं है तो लोन अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज के अंदर गाइज यहाँ पर ये बोल रही है कि भाई अपना आधार कार्ड अपना पैन कार्ड अपने हाथ में रख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड से आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है, सेम वही यहाँ पर दिखा रखा है कि भाई अपना आधार कार्ड अपना पैन कार्ड अपने हाथ में ले लीजिए और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्लिक कीजिए। तो चलिए गाइज, अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है तो आपने लेट्स बिगिन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज के अंदर गाइज आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका मेंटल स्टेटस, पैन कार्ड नंबर डालना है 2 बार। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको यहाँ पर नाम वही डालना है जो आपके पैन कार्ड के अंदर हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते गाइस, दूसरे स्टेप के अंदर आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है, एजुकेशन टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ऑक्यूपेशन टाइप, कंपनी का नाम, टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है आप, उसके बाद गाइज आपकी नेट मंथली इनकम कितनी है डाल देनी है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट इनके बाद गाइज जो तीसरा स्टेप है उसके अंदर आपको यहाँ पर आपके एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर टाइप ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेना है, यानी आप जिस मकान में रहते हैं वो आपके खुद का या फिर किराए पर रहते हैं। जैसे आप यहाँ पर अपना एरिया पिन कोड डालेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी सिटी और आपकी स्टेट नीचे आ जाएगी। तो चलिए आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइज ओवरव्यू में आप यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल देख लीजिएगा, अगर कुछ कमी है तो यहाँ पर उसको सही कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो कन्फर्म प्रोफाइल पर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर 2 मिनट का वेट करना होगा।
2 मिनट के बाद गाइज यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो यहाँ पर 34,000 रुपये के लोन के लिए एलिजिबल है, यानी आप यहाँ पर 34,000 रुपये तक का इंस्टेंट लोन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। एलिजिबिलिटी हमने यहाँ पर चेक कर ली, KYC डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अब हमें अपलोड करने हैं। KYC डॉक्यूमेंट्स में गाइज आप यहाँ पर आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो अपलोड करने वाला हूँ। जो भी फोटो आप यहाँ पर अपलोड करें वो क्लियर अपलोड करना, उसके बाद नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद गाइज जो आधार कार्ड के अंदर आपकी डिटेल है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर पैन कार्ड की फ्रंट फोटो अपलोड करनी है, तो चलिए मैं यहाँ पर पैन कार्ड की फ्रंट फोटो भी अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एक सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, अपनी सेल्फी अपलोड कर दी। सेल्फी अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज के अंदर गाइज आपको यहाँ पर 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देने होंगे। जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर दें वो एक्टिव होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वेरिफिकेशन भी हो सकती है इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करने के बाद। जब आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दें उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद गाइज यहाँ पर क्रेडिट चेक होता है। क्रेडिट चेक होने के बाद गाइज यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई अब आप यहाँ पर वेट कर लीजिएगा, हमारे जो स्पेशलिस्ट है आपके पास कॉल करेंगे, यानी कंपनी की तरफ से आपके पास बैक कॉल आने वाली है। कॉल आपके पास केवल वेरिफिकेशन के लिए आती है, आपसे पूछते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपसे कुछ डिटेल लेते हैं। अगर वो वेरीफाई हो जाती है आपकी कॉल, तो आपका लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाता है। लोन अप्रूव होने के बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। लोन अप्रूव होने के बाद आपको ई साइन एग्रीमेंट करना होगा, बैंक डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। ई साइन एग्रीमेंट और बैंक डिटेल देने के बाद आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगी तकरीबन 10 से 12 घंटे के अंदर। यह फर्स्ट टाइम होता है। जब आप सेकंड टाइम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंटली आपका लोन आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो गाइस मैंने आपको यहां पर 34,000 रुपए के लोन के लिए अप्लाई करके दिखाया है। आप यहां पर 1,00,000 रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको मुझसे ज्यादा यहां पर लोन मिल सकता है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हैं केवल आधार कार्ड पैन कार्ड से पूरे 1,00,000 रुपए तक का लोन, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हैं 1,00,000 रुपए तक का लोन तो अप्लाई कर सकते हैं लोन ब्रो से। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया किस तरीके से आपने यहां पर लोन के लिए अप्लाई करना। चलेगा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।